तो देखिए फ्रेंड, फैब्रिक के बचे हुए पीसेस से हमने आज ये खूबसूरत सा बैग बनाया है। बहुत ही सुंदर मुझे ये बैग लग रहा है। आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा हो। तो इसे बनाने के लिए हमने फैब्रिक के पीसेस का यूज़ किया है। हाफ़ मीटर हमने लाइनिंग का यूज़ किया है, हाफ़ मीटर ही हमने फॉर्म का यूज़ किया है। आगे से एक पॉकेट लगाई है, फ्रंट पॉकेट, और एक पॉकेट हमने अंदर से लगाई है। इस बैग को बनाना बहुत ही इजी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए फ्रंट हिस्से के लिए हमने ये पीसेस ले लिए हैं। लेंथ इसकी 12.5 इंच है और इसकी विड्थ 5 इंच है। यहाँ देखिए सबसे नीचे हमने लाइनिंग का पीस रखा है, उसके बीच में हमने फॉर्म ली है और सबसे ऊपर मेन फैब्रिक है। ये पीस भी इसी नाप का है। जो पिंक कलर का फैब्रिक है इसकी चौड़ाई 7 इंच है और लेंथ जो है वो इक्वल है तीनों पीसेस की। इन पर हम क्विल्टिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये सभी पीसेस क्विल्ट करके तैयार कर दिए हैं। क्विल्टिंग करने के बाद जो पीसेस होते हैं उनकी लेंथ और विड्थ में करीबन हाफ हाफ इंच का छोटे हो जाते हैं वो। तो देखिए बैग के लिए हमने ये पीस लिया है, 15.5 इंच लेंथ है और हाइट जो है वो है 12 इंच। इसके बाद ये पीस हमने लिए हैं फ्रंट के लिए, 5 इंच की चौड़ाई है दोनों पीसेस की और लेंथ है 12 इंच की। इसके बाद सेंटर के लिए हमने ये पिंक पीस बनाया है जिसकी चौड़ाई 7 इंच है और इसकी लेंथ भी 12 इंच है। और ये फ्रंट पॉकेट के लिए ये फैब्रिक हमने क्विल्ट कर लिया है जिसकी लेंथ है 8.5 इंच और वेट है 7 इंच। तो सबसे पहले हम पॉकेट तैयार करेंगे। पॉकेट तैयार करने के लिए मैंने ये पीस कटिंग कर लिया है जो कि 1.5 इंच चौड़ाई वाला है। इसे हम इस तरीके से रॉन्ग साइड पे रखकर स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए हमने ये स्टिच कर लिया। अब हम इसे टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ और इसके अंदर की तरफ इसके किनारे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे सीधी साइड से। तो ये देखिए अब हम इस पिंक पीस पे बेस की तरफ से ऊपर की साइड 1 इंच पे मार्क लगा लेंगे और इस रेड पीस को किनारा फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे और तीनों तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने पॉकेट को स्टिच कर लिया। अब हमने ये रेड फैब्रिक के 4 पीसेस ले लिए हैं। लेंथ इसकी 5 इंच है, वेट इसकी 1.5 इंच है। 4 पीसेस हमें ये लेने हैं। अब इसका एक एक किनारा हमें ये देखिए इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ मोड़कर स्टिच कर लेना है। चारों पीसेस का सिर्फ एक किनारा ये वाला स्टिच कर लेंगे रॉन्ग साइड की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने ये पिंक कलर की 4 स्ट्रिप ले ली है। एक स्ट्रिप की लेंथ 22 इंच है और इसकी विड्थ 2 इंच है। तो हमें इसको देखिए पहले इस किनारे को यूं फोल्ड करना है और उसके बाद ये वाला किनारा अंदर फोल्ड करेंगे, ये वाला किनारा अंदर फोल्ड करेंगे और इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर रखकर स्टिच लगा लेंगे ऐसे यहाँ से, फिर एकदम सीधी स्टिच। तो चारों स्ट्रिप तैयार कर लें। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये स्ट्रिप तैयार कर ली है। अब हम देखिए इस तरीके से हमें जो ये ब्लू वाले क्विल्टिंग पीस हैं ये लेने हैं जो हमने रेड पीस का क्विल्ट कर सॉरी किनारा फिनिश कर दिया है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे। ऊपर से हम 1.25 इंच पे यानी 1 इंच और 7 पॉइंट पे मार्क लगाएंगे इस तरीके से। इस रेड स्ट्रिप के दोनों किनारों को हम सिल लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच
छोड़ेंगे। ठीक इसी तरीके से दूसरी स्ट्रिप का भी हम ऊपर की तरफ से 1.7 इंच नीचे की तरफ मार्क लगाएंगे, 1.7 इंच पौने दो इंच हो गया। और इधर से छोड़ेंगे 1.5 इंच, इधर से 1.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे भी 1.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। अब हम इसको यू रखेंगे और दूसरी को यू रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अब ये पिंक वाली स्ट्रिप लेनी है, जो किनारा अनफिनिश है उसको हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरीके से इस रेड स्ट्रिप के अंदर डाल देंगे और इस किनारे को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से जैसे कि हमने ये वाली रेड स्ट्रिप लगाई है, हमने दूसरी तरफ भी मार्क लगा के इस रेड स्ट्रिप को स्टिच कर लेना है सेम तरीके से, ऊपर से पौने दो इंच पे और साइड से डेढ़ इंच पे, और इसी तरीके से पिंक स्ट्रिप को लगा के यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड पे ये स्ट्रिप लगा ली है। अब हम बैक साइड पर भी स्ट्रिप को लगाएंगे। तो इसके लिए हम पहले मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क लगाएंगे, साइड से 5 इंच पे अंदर की साइड मार्क लगा लेना है, इधर से भी 5 इंच पे अंदर की साइड मार्क लगाना है साइड से ऐसे करके, ऊपर से 1.7 इंच पे नीचे की तरफ। तो एक लाइन लगा लेंगे। नहीं लाइन लगाने के बाद यहां से हम 1.5 इंच यानी डेढ़ इंच पे अंदर की साइड मार्क लगाएंगे। रेड स्ट्रिप को हम यहां तक लगाएंगे, जो किनारा हमने फिनिश किया हुआ है रेड स्ट्रिप का उसे हम यहां पे रखेंगे। ऐसे होगा ये स्टिच ज्यों करके, लेकिन यहां पर हमें इस पिंक स्ट्रिप को भी स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमें देखिए रेड स्ट्रिप के ऊपर इस पिंक स्ट्रिप को यहाँ पे रख के इधर किनारे पे स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने ये स्टिच कर लिया। अब इसके बाद इसे सीधा करना है हमें, और जो हमने मार्क लगाया था ऊपर से 1.7 इंच पे ठीक उसके बराबर रखते हुए इस रेड स्ट्रिप पर हमें पहले यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ध्यान ये रखना है कि इसके साथ पिंक वाली स्ट्रिप स्टिच में नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए हमने एक साइड पे इसकी फिनिशिंग कर ली है। अब हम दूसरी साइड पर भी मार्क लगाएंगे और स्टिच करेंगे। तो मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कैसे लगाया हमने। यहाँ साइड से हमने 5 इंच पे अंदर की तरफ मार्क लगाया, ऊपर से 1.7 इंच यानी पौने दो इंच पे मार्क लगाया, एक लाइन लगा लेंगे यहाँ पे ऐसे करके, और ये देखिए आई होप कि आपको नजर आ रहा हो। अब देखिए इस रेड स्ट्रिप का यहाँ से हम 1.5 इंच पर लगाएंगे मार्क। तो इस रेड स्ट्रिप को हम देखिए इतनी दूरी पर हमें लगाना है 1.5 स्ट्रिप के बाद। अब ये पिंक स्ट्रिप ले लेंगे, इसका वो वाला किनारा जो कि हमने बगैर स्टिच किए फिनिश किए बगैर छोड़ दिया वो हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे पहले स्टिच कर लेंगे, फिर इसे सीधा करेंगे स्टिच करने के बाद, और उसके बाद इस रेड स्ट्रिप का ऊपरी किनारा स्टिच करना है, फिर निचले वाला किनारा स्टिच करना है। ध्यान ये रखना है कि पिंक स्ट्रिप्स के साथ स्टिच नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हमने बैक साइड की जो स्ट्रिप है स्टिच कर ली है, इस तरीके से ये होनी चाहिए। अब हम फ्रंट वाले हिस्सों को
आपस में जोड़ेंगे। तो इसके लिए देखिए, सेंटर वाला पीस हमें यूँ रखना है और साइड वाले पीस जैसे कि मैं आपको रख के दिखा रही हूँ वैसे रखना है, और इन्हें आपस में मिलाकर स्टिच कर लेना है। यहाँ पे एक स्टिच लगानी है, एक स्टिच यहाँ पे लगानी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये स्टिच कर लिया है। अब इसके किनारों की फिनिशिंग करने के लिए हमने ये 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप ले ली है। इसे हम इस तरीके से क्विल्टिंग पीस के साथ स्टिच कर लेंगे। अगर आप अपने कस्टमर को किनारे फिनिश करके देंगे पूरे, तो वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो देखिए, हमने ये स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे दूसरी तरफ को लेके जाएंगे और इसके किनारे अंदर की साइड मोड़कर ऐसे मोड़ना है हमें, और ऊपर से स्टिच लगा के फिनिश कर लेना है। इधर भी इसी तरीके से किनारे अंदर मोड़ने हैं ब्लू स्ट्रिप के, और स्टिच करके फिनिशिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, अब हम इनर साइड में एक पॉकेट लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने लाइनिंग का ही पीस ले लिया है। 7.5x7.5 इंच का ये पीस है। इसका एक किनारा हमें इस तरीके से मोड़कर स्टिच लगा लेना है। तो देखिए, अब हम इस क्विल्टिंग पीस के साथ इस पॉकेट को स्टिच करेंगे। तो बेस से मैंने अबव की तरफ मार्क लगा लिया है 2 इंच पे। पॉकेट का किनारा इस तरीके से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और स्टिच लगानी है। साइड से भी हमें दोनों साइड से 4.5 इंच अंदर की तरफ इस पॉकेट को रखना है, और इस तरीके से तीनों साइड पे स्टिच लगा लेनी है पॉकेट के। तो ये देखिए, अब हम इन दोनों पीसेस को आपस में मिला लेंगे। बेस को हमें आपस में मिला लेना है दोनों के, और यहाँ से हम मार्क लगाएंगे 1.5 इंच बाय 1.5 इंच पे, यानी 1.5 इंच पे, और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी पीस को हम दूसरी साइड पर भी रख लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने काट लिया। अब हम इसके बेस पे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, अब मैंने ये बैग की स्ट्रिप बनाने के लिए फैब्रिक ले लिया है। पीस की लेंथ है 18 इंच और विड्थ है 3 इंच। वैसे तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमें यूं स्टिच कर लेना है। एक किनारा यूं मोड़ेंगे, दूसरा किनारा यूं मोड़ेंगे और आपस में रख के स्टिच लगा लेंगे। दूसरे स्ट्रिप को भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखिए, हमने बैग की स्ट्रिप जो है बना के तैयार कर ली है। अब हम इसको बैग के रॉन्ग साइड पर जो ये स्टिच वाला जोड़ है यहाँ पे रख के एक को स्टिच करेंगे और दूसरा हिस्सा यहाँ पे रख के स्टिच कर लेंगे। इस गैप को नाप लेंगे हम कि कितना है ये यहाँ से, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक साइड पर भी मार्क लगा लेंगे, और बैक की जो रेड स्ट्रिप है उसे यहाँ पर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे ऐसे करके। तो ये देखिए, अब मैंने पिंक स्ट्रिप ले ली है। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 1.7 इंच,
इसे हम रॉन्ग साइड पर बैक के यहाँ पर स्टिच करेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। स्ट्रिप सिलने के बाद हम इसको सीधी साइड को लाएंगे और इसके किनारे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर देंगे स्टिच करके, इस साइड भी और इस साइड को भी ऐसे करके स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अब फ्रंट और बैक को आपस में मिलाना है, इसे यूं अंदर की साइड कर देना है, इधर से भी इस पिंक स्ट्रिप को अंदर की साइड कर लेना है और यहाँ पे स्टिच करना है, यहाँ पे स्टिच करना है। तो देखिए अब मैंने ये लाइनिंग वाली स्ट्रिप कटिंग कर ली है साइड की अकॉर्डिंग और बेस के अकॉर्डिंग, इन्हें हम इस तरीके से रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे। लाइनिंग वाली स्ट्रिप को अब हमें दूसरी साइड को पलटना है और इसके किनारों की फिनिशिंग कर लेनी है ऐसे। ऊपर से इसको थोड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था और यहाँ पे स्टिच लगाना है, इसके किनारे भी अंदर को फोल्ड कर लेना है, स्टिच कर लेना है और यहाँ पर भी फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमने तीनों किनारों की फिनिशिंग कर ली। अब ये जो कॉर्नर है ये हम इस तरीके से बनाएंगे, स्टिच कर लेंगे यहाँ पे, और जैसे कि हमने इसके किनारों की फिनिशिंग की है ऐसे ही यहाँ पर भी लगा के कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने अब इसको सीधा कर लिया है। अब ये पिंक स्ट्रिप है इसे हम थोड़ा सा खींच के यहाँ पर नॉट लगा देंगे ऐसे करके, और दूसरी साइड भी नॉट लगा लेंगे। इस बैग में जिप जो है नहीं लग पाएगी, तो अंदर की साइड से अगर आप चाहे तो वेलक्रो लगा सकते हैं। जैसे जितना बड़ा पिंक पीस है यानी कि 7 इंच का, उतना बड़ा हम वेलक्रो का पीस लें और उसे अंदर की साइड से स्टिच कर ले यहाँ पर, तो इसकी जो है ऊपर से भी फिनिशिंग हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबा पीस हम अंदर से लगा देंगे वेलक्रो का अगर लगाना चाहे। तो देखिए दोस्तों हमने ये बैग बना के तैयार कर लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आपको इसी तरीके के बैग वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद एक बेल का आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, और फिर एक ऑप्शन आता है ऑल वाला तो उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और ये बिल्कुल ही फ्री है। और बहुत बहुत शुक्रिया।